गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम सब थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट EL301 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के चैप्टर नंबर 3 पावर एम्पलीफायर्स के अंतर्गत सम्मिलित टॉपिक कन्वर्जन एंड नॉर्मल एफिशिएंसी का अध्ययन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एम्पलीफायर एफिशिएंसी, द पावर एफिशिएंसी ऑफ एन एम्पलीफायर डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट इम्प्रूव्स गोइंग फ्रॉम क्लास ए टू क्लास डी। जो हमारे पावर एम्पलीफायर की पावर एफिशिएंसी होती है वो बेसिकली आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पावर एम्पलीफायर के केस में हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि इनपुट जो सप्लाई होती है, जिसका नेचर डीसी होता है, उसका कुछ पोर्शन अल्टरनेटिंग नेचर में कन्वर्ट होता है। सो हम यहाँ पर कन्वर्जन एफिशिएंसी शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ हमने पहले लेक्चर में भी देखा था और आज भी एक या दो बार हम रिवीजन करेंगे कि क्लास ए से क्लास बी की ओर जब हम बढ़ते हैं तो जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है ऑफ दैट पावर एम्पलीफायर गेट्स हायर, वो बढ़ती है। इन जनरल टर्म वी सी दैट अ क्लास ए एम्पलीफायर विद डीसी बायस एट 1/2 the supply voltage level uses a good amount of power to maintain bias even with no input signal applied. This results in very poor efficiency, especially with a small input signal when very little AC power is delivered to the load. In fact, the maximum efficiency of class A circuit occurring for the largest output voltage and current swing is only 25% with a direct or series fed load connection and 50% with a transformer connection to the load. Students, इस तथ्य के सहायता से हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो क्लास ए पावर एम्पलीफायर होता है, सीरीज कनेक्शन अथवा सीरीज फेड लोड के लिए उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 25% होती है और ट्रांसफॉर्मर फेड और ट्रांसफॉर्मर कपल्ड लोड के साथ उसकी एफिशिएंसी 50% होती है। और वेरी स्मॉल इनपुट सिग्नल्स के लिए क्लास ए एम्पलीफायर का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक नहीं है। क्लास बी ऑपरेशन विद नो डीसी बायस पावर फॉर नो इनपुट सिग्नल कैन बी शोन टू प्रोवाइड अ मैक्सिमम एफिशिएंसी दैट रीचेस 78.5%। जो क्लास बी पावर एम्पलीफायर होता है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 78.5% तक होती है। इसी प्रकार क्लास डी ऑपरेशन, जो कि हमें पल्स की फॉर्म में आउटपुट देता है, कैन अचीव पावर एफिशिएंसी ओवर 90% एंड प्रोवाइड्स द मोस्ट एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ ऑल द ऑपरेटिंग क्लासेस। क्लास डी जो हमारा है पावर एम्पलीफायर की क्लास, उसके द्वारा प्रदान की गई एफिशिएंसी
मैक्सिमम होती है, अप टू 90% होती है। स्टूडेंट्स मैं आपको यहां बता दूं कि क्लास डी पावर एम्पलीफायर का आउटपुट पल्सेस की फॉर्म में होता है। वी कैन से रेक्टेंगुलर पल्स कैन बी ऑब्टेंड विद क्लास डी पावर एम्पलीफायर। सिंस क्लास ए बी फॉल्स बिटवीन क्लास ए एंड क्लास बी इन बायस, इट इज ऑल्सो फॉल्स बिटवीन देयर एफिशिएंसी रेटिंग्स बिटवीन क्लास ए एंड क्लास बी। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से क्लास ए बी बाइसिंग स्तर पर क्लास ए और क्लास बी के बीच में होती है, ठीक इसी प्रकार इससे प्राप्त होने वाली एफिशिएंसी भी इन दो क्लासेस के बीच में होती है। हमें मालूम है कि क्लास ए के द्वारा हमें अधिकतम 25% अथवा 50% तक की एफिशिएंसी प्राप्त हो सकती है और क्लास बी के द्वारा हमें 78.5% तक की अधिकतम एफिशिएंसी प्राप्त हो सकती है। तो क्लास ए बी से प्राप्त होने वाली एफिशिएंसी इन दो आंकड़ों के बीच में होगी। अब एक बार हम पुनः छोटा सा रिविजन करते हैं। अब एक बार हम पुनः संक्षेप में जो एम्पलीफायर की डिफरेंट क्लासेस हैं इनको कंपेयर कर लेते हैं। हमने 5 पावर एम्पलीफायर की क्लासेस को शो किया है, ए ए बी बी सी और डी, और उनको कंपेयर किया है ऑपरेटिंग साइकिल एंड पावर एफिशिएंसी के इन दो पैरामीटर्स के आधार पर। क्लास ए के अंतर्गत हमारा जो एम्पलीफाइंग डिवाइस है वो 360 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है, हमें आउटपुट 360 डिग्री के लिए मिलता है और पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी हमारी 25% से लेके 50% तक के बीच में होती है। क्लास ए बी के अंतर्गत हमारा जो डिवाइस होता है, एक्टिव डिवाइस होता है, वो 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच कंडक्ट करता है और इसकी एफिशिएंसी 50% से लेके 78.5% के बीच में होती है। ठीक इसी प्रकार क्लास बी के लिए जो हमारा एक्टिव डिवाइस है वो कंप्लीट 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है और उसके द्वारा जो प्राप्त होने वाली मैक्सिमम एफिशिएंसी है दैट इज वो अप टू 78.5% होती है। क्लास सी में हमारा जो पावर एम्पलीफायर है, जो एक्टिव डिवाइस है, वो 180 डिग्री से कम के लिए कंडक्ट करती है और इसकी एफिशिएंसी 78.5 से ज़्यादा और 90% से कम होती है। ठीक इसी प्रकार हमारे पास आता है क्लास डी पल्स ऑपरेशन, जिसकी एफिशिएंसी अप टू 90% होती है। अब हम कुछ डायग्राम्स के माध्यम से इन पावर एम्पलीफायर्स के इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म को देखेंगे। सो पहले वाले डायग्राम में आप देखिए क्लास ए एम्पलीफायर के इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म्स को शो किया हुआ है। इनपुट आपका एक कंप्लीट साइकिल है दैट इज अप टू 360 डिग्री और आउटपुट वेवफॉर्म भी आपको 360 डिग्री के लिए ही मिल रही है। ठीक इसी प्रकार क्लास ए बी, हमें मालूम है क्लास ए बी में हमारा एक्टिव डिवाइस 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम के लिए कंडक्ट करता है, इसलिए आप आउटपुट वेवफॉर्म देख सकते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको कंप्लीट वेवफॉर्म मिल रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको थोड़ा सा क्लिप्ड वर्जन उसका मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार क्लास बी पावर एम्पलीफायर, हमें मालूम है हमारा एक्टिव डिवाइस परफेक्टली 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है, तो आप देख सकते हैं हमें केवल और केवल एक हाफ साइकिल यहाँ पर आउटपुट के लिए मिली है। ठीक इसी प्रकार क्लास सी, जहाँ पर हमारा जो एक्टिव डिवाइस है वो लेस देन 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है, तो आप आउटपुट वेवफॉर्म देख सकते हैं हमें 180 डिग्री से कम के लिए मिल रही है। ठीक इसी प्रकार जो क्लास डी ऑपरेशन, जिसका पल्स ऑपरेशन भी होता है, यहाँ पर हमें आउटपुट के रूप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस मिलती है। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि आज का यह ई लेक्चर अटेंड करने के बाद जो डिफरेंट पावर एम्पलीफायर्स होते हैं उनकी पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी से आपका परिचय हुआ होगा। साथ ही साथ ये वीडियो लेक्चर आपके लिए सहायक सिद्ध होगा।
स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से मोस्टली छोटे क्वेश्चंस, इस टॉपिक से छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि पावर एम्पलीफायर की कन्वर्जन एफिशिएंसी से आप क्या समझते हैं, विभिन्न क्लासेस की पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी की वैल्यू लिखिए। तो इसी के साथ धन्यवाद।